काफी प्यारी है। हाँ। ये देख हम आराम से बैठा हुआ है, जब छोड़ दे तब हो जाता है। तो दोस्तों हमारी ये वाली जो मछली है सबसे प्यारी मछली मुझे ये लग रही है। ऐसा नहीं इसके ऊपर हल्के हल्के डोर्स वगैरह बने हैं जिसकी वजह से ये मछली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। चल यार ऐसा नहीं ने शाम की खुराक डाल। तो दोस्तों अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, अपनी मुर्गियों को हम शाम की खुराक थोड़ी देर बाद डालेंगे। यार ऐसा यार इस पौधे को कभी बेचारे को पानी डाल दिया करो, तो आप लोगों ने आज भी नहीं इसे पानी डाला, तो ऐसे ही हम इसे रोजाना पानी डाल देते हैं। यार ऐसा मास्टर के में जो चूजे हैं यार उन्होंने काफी ज्यादा शोर किया है, आज कोई भी मछली हमारी खुराक नहीं खा रही और काफी टाइम। हाँ मुझे भी लगता है आज हमने इसे काफी टाइम पहले खुराक डाल दी है जिसकी वजह से ये खा नहीं रही। माशाल्लाह से मछली देखें काफी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो यार अपने सेटअप पर आ चुके हैं, अपने कबूतरों को खोल दिया। माशाल्लाह से आज हम अपने कबूतरों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं इन्हें उड़ाने के लिए। तो आज आप लोगों के लिए है एक सरप्राइज। तो हमारा सेटअप बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, हम एक इधर केज बना रहे हैं। यार ऐसा बता दो ये हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? अगली वीडियो में बताएंगे। हाँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे ये हम किस चीज़ के लिए केज बना रहे हैं। तो अगर आपको पता चल चुका है आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। तो माशाल्लाह से हमारी कबूतरी का बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसकी आंखें भी खुल चुकी हैं, कबूतरी से खुराक काफ़ी अच्छी तरह से खिला रही है। यार एहसन हाँ सारे कबूतरों को बंद करते हैं और चलते हैं जो चीज़ आज हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो यार जो चीज़ आज हम लेकर आएंगे काफ़ी प्यारी चीज़ होगी, तो आपने वीडियो को पूरा लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो लाजमी पसंद आएगी। दोस्तों फाइनली काफ़ी देर के बाद हम अपने सेटअप पर वापस आ चुके हैं, जो चीज़ हम लेने गए थे वो भी हम लेकर आ गए हैं। तो आपको थंबनेल और टाइटल में तो पता चल चुका होगा कि हम आज क्या चीज़ लेकर आए हैं। तो जल्दी से अपनी चीज़ को बाहर निकालते हैं। चल यार समी इन्हें बाहर निकाल। तो यार माशाल्लाह से आज हम लेकर आए हैं बिल्ली के छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो बच्चे, ये देखे माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। आप भाग ना जाए, नहीं बाहर निकाल इन्हें यार काफ़ी प्यारे हैं। तो दोस्तों हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हम अपने सेटअप पर बिल्ली के बच्चे लेकर आएँ, तो फाइनली आज आखिरकार हम अपने सेटअप पर पर्शियन कैट के बच्चे लेकर आ गए हैं। चल यार इन्हें छोड़ दो। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारी बिल्लियाँ काफ़ी प्यारी हैं और काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं। किधर गया है? चल यार इसे पकड़ ले, ये ज़्यादा शैतान है। चल छोड़ इसे इधर, वो शरीफ सी है। चल छोड़ छोड़ ना इसे नीचे, एक मेल है और एक फीमेल है माशाल्लाह। यार इसे पकड़ कहीं छत से नीचे ना छलांग लगा दे, काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है। यार इन्हें ऐसा करते हैं हम अभी छोटे पिंजरे में इन्हें बंद कर देते हैं, तो बाद में हम इन्हें आज़ाद कर देंगे जब ये हमारे घर के बिल्कुल अच्छी तरह से टेम हो जाएंगे। ये बेचारे ऐसा आराम सुकून से बैठा हुआ है माशाल्लाह, काफ़ी प्यारी हैं। हाँ ये देख हम आराम से बैठा हुआ है, जब छोड़ दे तब हो जाता है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, तकरीबन हमें घंटा लग गया हम बिल्ली के बच्चे लेने गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा दूर से हम अपने सेटअप पर लेकर आए हैं और माशाल्लाह से चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। चल मुंह इधर को यार सोया हुआ था माशाल्लाह, और ये देखें ये फीमेल है और ये मेल ये है, ये बहुत ज़्यादा शैतान है। हाँ ये वह ज़्यादा शैतान है। चल यार ऐसे इसे नीचे छोड़ एक बार, छोड़ना फिर एक बार, फिर बाद में अपनी मुर्गियों को खोलेंगे। तो यार इसकी स्पीड आप ज़रा चेक करें, मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ये देखें काफ़ी ज़्यादा तंग करेगा हमें, इंशाल्लाह हमारे सेटअप के ये टेम हो जाएंगे। दोस्तों माशाल्लाह से हमारी बिल्ली के बच्चे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, आराम सुकून से डब्बे के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी आप लोग डब्बे के अंदर ही बैठे रहो, ऐसे थोड़ी देर बाद हम बाजार जाते हैं इनके लिए एक पिंजरा लेकर आते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद इन्हें हम पिंजरे में से आज़ाद कर देंगे। अपने कबूतरों खोलिए, इधर से खुराक वगैरह खा रहे हैं, थोड़ी सी गंदम इन्हें और डाल दें, तो फिर इन्हें बंद करते हैं और अपनी मुर्गियों और रिसीवर्स को खोलते हैं। यार समी ये अपने सब्सक्राइबर के लिए एक सरप्राइज है, तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये वाला केज मुकम्मल हो जाएगा फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि हम ये क्या चीज़ बना रहे हैं। तो माशाल्लाह से कबूतरी का बच्चा इधर देख आराम सुकून से सो रहा है। यार समी कबूतरी बाहर गई हुई है, उधर से खुराक खा रही है और बच्चा इसका आराम सुकून से सो रहा है। वो भी मस्तियों में आ गए हैं। हाँ यार ये देख माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यार मैं नीचे मास्टर के से होकर आया, मुझे लगता है इन्हें भूख लगी है। हाँ इन बेचारों को भूख लगी हुई है, तो इनकी भूख का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं।
दोस्तों हमारा ये वो जो तोती का बच्चा बेचारे के ऊपर किसी चीज ने हमला किया, मुझे लगता है किसी तोती ने इस पर हमला किया है, बेचारे को हल्के हल्के जख्म आ गए हैं। तो अल्लाह करे ये जल्दी से ठीक हो जाए। चूजे नीचे मेरे पैरों को इतने ज्यादा चूचे मार रहे हैं, इन्हें पता नहीं क्या मसला है। तो इन्हें बहुत जल्द हम अपने मास्टर के से हटाने वाले हैं, मास्टर के जिन्होंने सारे का सारा गंदा कर दिया। तो ये जो हमारी जैबरा फिंचज और डायमंड डब हैं, इंशाल्लाह ये भी ब्रीडिंग करेंगे और बच्चे वगैरह निकालेंगे। ये चूजा यार काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है, हाथों के ऊपर काट रहा है, उनके पिंजरे में नहीं जाना। तो यार ये इनके पिंजरे के अंदर आते हैं, जो दाना वगैरह बिखरा होता है वो खाते हैं। चल बाहर, अगर एक भी पिंजरे के अंदर बंद रह गया ना तो इन्होंने हमारी जैबरा फिंचज और हमारी डायमंड डब को एक्सपायर कर देना है। तो ये चूजे हमें काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन्हें मास्टर के से बहुत जल्द हम निकाल देंगे। तो हमारी ये वही जो तोती है ग्रीन वाली, जिसने यहाँ पर अंडे दिए हुए हैं, तो बेचारी के सारे अंडे इनफर्टाइल थे, तो सारे अंडे हम रखा कर बाहर फेंक दिए हैं। यार ऐसन, हाँ ये देख मुझे चूजे ने काटा काफी जोर से, मुझे बिल्ली ने मारा है। कहाँ पर? ये देख यार, वैसे कुछ भी नहीं होता, उसने वैसे नाखून वगैरह मारे हैं। चल ये टोकरी इसके ऊपर रख देते हैं ताकि आराम सुकून से इधर बैठे रहें और अपनी मुर्गियों और टर्की बर्ड्स को खोल दें। हमारी मुर्गियां और हमारे टर्की बर्ड्स उधर ही मचा देते हैं जब हम उन्हें खोलते हैं। तो बिल्ली का बच्चे अभी हमारे साथ पर नए नए आए हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे डर जाएंगे। वैसे ऐसा ये भी मुझे लगता है डरेंगे, पिंजरा देख यार इनके कितनी ज़्यादा मिट्टी है इनके पिंजरे में। चल इन्हें खुराक वगैरह डाल दे, वो उधर ना चले जाना। चल इन्हें खुराक डाल दे, इधर गंदम वगैरह बिखरी हुई है, चल यही खा लेते हैं। यार टर्की के बच्चों को पानी ऐसा काफ़ी पसंद है, देख कितने शौक से पी रहे हैं। तो ये जो हमने इनके लिए ड्रिंकर मंगवा कर लगवाए हैं, पता नहीं ये इन्हें पसंद ही नहीं आया, इनमें से भी सारा दिन पानी पीते रहते हैं। तो शाम हो चुकी है, अपनी बिल्ली के बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। यार ऐसा अभी चलते हैं बाजार, इनके लिए एक पिंजरा लेकर आते हैं। पिंजरा लाएंगे, पिंजरे के अंदर इन्हें बेचारों को बंद करेंगे, तो फिर तकरीबन 10 से 12 दिन बाद हम इन्हें आज़ाद कर देंगे। अभी तक हमारी मुर्गियों और हमारे टर्की बर्ड ने नहीं इन्हें देखा, बाहर निकालो सही है रहने दो। माशाल्लाह तुझे पता भी है। हाँ ये भाई टर्की बर्ड की फीमेल यार काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। तो दोस्तों इनके काम देखें, ऐसे जैसे ये पागल हो गए, नीचे पत्ते काफ़ी बिखरे हुए हैं वो खा रहे हैं। चल सील चूजों को भी खोल दिया है, आज हम इन्हें खोलना भूल गए। तो बिल्ली के बच्चे हम आप नीचे ले गए हैं, तो नीचे जाते हैं बिल्ली के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खुराक वगैरह तैयार करते हैं और उन्हें खिलाते हैं। क्या हुआ है? क्या मिट्टी के अंदर खेलते रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा इन्हें। नहीं कुछ भी नहीं होगा, खेल रहे हैं वैसे, अंदर कोई ना कोई चीज़ पड़ी होगी जो खा रहे हैं। यार ऐसा ये नहीं मना होता, काफ़ी यार डीट हैं, इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यार ये वाला मुर्गा जो बेचारा हमारा बूढ़ा हो चुका है, और ये वाला जो मुर्गे हैं काफ़ी ज़्यादा इस बेचारे को मारते हैं। तो तकरीबन ऐसा 4 से 5 साल हो गए ये वाला मुर्गा हमारे साटा पर मौजूद है, वो देखे उससे काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। तो यार आज हमारी बिल्लियाँ हमें काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही हैं, जल्दी से पिंजरे में से बाहर भाग कर आ जाती हैं। तो आज हम इनके लिए एक केज लेकर आ गए हैं, तो तकरीबन 5 से 6 दिन बाद हम इन्हें आज़ाद कर देंगे। तो थोड़ी सी रेत इनके लिए पिंजरे के अंदर रखते हैं ताकि इसके अंदर पोटी वगैरह कर लें, और इन्हें दाना वगैरह डाल देते हैं थोड़ा सा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें।